नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश वाधवा और आज का ये बेहतरीन वीडियो एक ऐसे टॉपिक पे मैं बना रहा हूं जो सचमुच में बहुत ही अहमियत रखता है हम सब के लिए। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार, ये पुरस्कार क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, इन पुरस्कारों को हम कहाँ अप्लाई करते हैं, ये पुरस्कार हमें कब मिलते हैं, क्या इन पुरस्कारों के साथ कोई धन राशि भी जुड़ी है, इन सब सवालों का जवाब देने के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो आइए चर्चा करते हैं पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री अवार्ड जो हैं, ये हमारे देश के सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हैं। भारत सरकार का गृह मंत्रालय हर साल 1 मई से लेकर 15 सितंबर तक आम जनों से ऑनलाइन एप्लीकेशन या नॉमिनेशंस मंगवाता है। तो यदि आपको लगता है आपने अपने जीवन में जिस डोमेन में भी आप काम कर रहे हैं, आपने उसमें बहुत ही बेहतरीन काम किया है, तो आप इन पुरस्कारों की तैयारी कर सकते हैं। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण पुरस्कार दिया जाता है फॉर एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस। इसके बाद पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाता है फॉर डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर। और आखिरी में पद्मश्री पुरस्कार, किसी भी फील्ड में आपने डिस्टिंग्विश्ड सर्विस दी है। हर साल 26 जनवरी रिपब्लिक डे को मनाने की पूर्व संध्या पर सरकार 120 से लेकर 130 लोगों के नाम को अनाउंस करती है कि ये साल 2022 या ये साल 2023 के चुने गए पद्म पुरस्कार के विजेता हैं। फिर इसके बाद अप्रैल अथवा मार्च के महीने में राष्ट्रपति भवन में इन लोगों को आमंत्रित करके इन्हें पद्म पुरस्कार दिए जाते हैं। इन पुरस्कारों के साथ कोई धन राशि भी मिलती है, इसका जवाब है नहीं। ये पुरस्कार अपने आप में सचमुच में इतने बड़े हैं कि इनके साथ किसी धन राशि को जोड़ना सही नहीं होगा। तो आइए हम जानते हैं इन पुरस्कारों को हम कैसे अप्लाई करते हैं। आप अपने जीवन में जो भी डिस्टिंग्विश्ड सर्विस कर रहे हैं, आप एक समाज सेवी हो सकते हैं, आप एक बेहतरीन सिंगर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, आप एक डॉक्टर हो सकते हैं, आप एक एक्टर हो सकते हैं, आपने अपने जीवन में जो भी उत्कृष्ट कार्य किया है उसके लिए आपको इन उसको सरकार पहचान सकती है और आपको इन पुरस्कारों से अलंकृत कर सकती है। करना क्या है, इसका एक व्यक्ति खुद अपने आप को भी नॉमिनेट कर सकता है अथवा कोई दूसरा व्यक्ति, कोई एनजीओ, आपके कोई संस्था, आपके डोमेन फील्ड में आपके कंट्रीब्यूशन को देखते हुए आपको नॉमिनेट कर सकती है। ये नॉमिनेशन एप्लीकेशन का सारा काम 100% ऑनलाइन होगा। इसमें केवल अब सवाल उठता है कि पद्म पुरस्कारों को कौन अप्लाई कर सकता है। तो कोई भी व्यक्ति पद्म पुरस्कारों को बिना किसी भेदभाव के, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड अपॉन रिलीजन, कास्ट, ऑक्यूपेशन, ज्योग्राफी, इसको इग्नोर करते हुए कोई भी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए अप्लाई कर सकता है। इसमें केवल एक अपवाद है, सर्विंग गवर्नमेंट सर्वेंट यानी कि सरकारी पद पर रहते हुए आप इन पुरस्कारों को अप्लाई नहीं कर सकते, इंक्लूडिंग the people, the employees working with public sector undertakings। इसका भी एक अपवाद है, यदि आप डॉक्टर हैं, साइंटिस्ट हैं, तो आपको कंसीडर किया जा सकता है सरकारी पद पर रहते हुए भी। इसके बाद हम बात करते हैं स्कोप की, किस किस प्रकार की एक्टिविटीज को इन पुरस्कारों के लिए आइडेंटिफाई किया जा सकता है, मैप किया जा सकता है। नंबर एक, सबसे पहले इन द फील्ड ऑफ आर्ट्स, नंबर वन आर्ट्स, आर्ट्स में बोले तो म्यूजिक, पेंटिंग, फोटोग्राफी, थिएटर,
सिनेमा, इन फील्ड्स में आपने कोई डिस्टिंग्विश्ड कंट्रीब्यूशन दिया है तो आप इन अवार्ड्स की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद नंबर दो, सोशल वर्क। आप सोशल और चैरिटेबल एक्टिविटीज कर रहे हैं इन द फील्ड ऑफ अफोर्डेबल सैनिटेशन, अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए आप काम कर रहे हैं। नंबर थ्री, पब्लिक अफेयर्स। आप समाज के क्षेत्र में, पब्लिक लाइफ में, पॉलिटिक्स के फील्ड में आप काम कर रहे हैं तो आपको इस अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। नंबर फोर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में। नंबर फाइव, ट्रेड एंड इंडस्ट्री में। आप एक बहुत ही बेहतरीन व्यापारी हैं, आपने समाज को सचमुच में व्यापार करते करते आपने समाज को सचमुच में कुछ दिया है। एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है, आपके नॉमिनेशन का जब मूल्यांकन किया जाएगा, आपकी एप्लीकेशन का, आपके कैंडिडेचर का जब मूल्यांकन किया जाएगा, तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो ये है कि देयर ऑट टू बी एन एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस बिहाइंड द अचीवमेंट ऑफ द एप्लीकेंट। आपने अपने जीवन में जो भी कार्य किया, जो भी आपने उपलब्धियां हासिल की, उसके पीछे एक पब्लिक एलिमेंट का होना बहुत जरूरी है, द एलिमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस। सो इसके बाद हम बात करते हैं लिटरेचर एंड एजुकेशन की। आपने एजुकेशन रिफॉर्म्स पे काम किया, टीचिंग में काम किया है, जर्नलिज्म में काम किया है, आप एक ऑथर हैं। नंबर नेक्स्ट, स्पोर्ट्स। आपने एक खिलाड़ी के तौर पर किसी स्पोर्ट्स में आपने कोई डिस्टिंक्शन हासिल की है, स्पोर्ट्स की प्रमोशन में आपने कुछ किया है, तो आपको इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। और आखिरी में कुछ सिविल सर्विसेज के लिए भी। आमतौर पर सरकारी, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए, इन अवार्ड्स के लिए आपको नहीं चुना जा सकता, लेकिन जब आप अपनी जॉब से रिटायर हो जाते हैं तो इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज आपको फॉर बेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन आपको इन अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया जा सकता है। आखिरी में देर आर सम रेजिडुअल एक्टिविटीज, कुछ ऐसी कैटेगरीज हैं जैसे कि इन द फील्ड ऑफ योगा, एग्रीकल्चर, ग्रास रूट इनोवेशंस, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन एक्टिविटीज के लिए भी आपको पद्म पुरस्कारों से अलंकृत किया जा सकता है। प्रोसेस क्या है? सारा का सारा 100% प्रोसेस ऑनलाइन है। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकल कहीं नहीं सबमिट करना है। आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है awards.gov.in, इस वेबसाइट पर जाके आप अपना एक ऑनलाइन प्रोफाइल बनाएंगे। जैसा कि मैं कई बार बोल चुका हूं, इस अवार्ड के लिए आप अपने आप को खुद भी नॉमिनेट कर सकते हैं, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, और बेहतर ये होगा कि कोई दूसरा व्यक्ति या कोई संस्था, कोई एनजीओ आपको नॉमिनेट करे, ये ज्यादा बेहतर रहेगा। तो आपको अपनी सारी अचीवमेंट्स, इन द पास्ट आपने जो भी कार्य किया उसको आपने बेहतरीन तरीके से लिखना है। इसमें एक प्रोफेशनल भी आपकी हेल्प कर सकता है। आपकी जितनी आज तक की अचीवमेंट्स हैं उनके डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस, आपका एक फोटो, ये सब आपको awards.gov.in की वेबसाइट पे आपको डालना है। और जो भी आपने जीवन में काम किया उसका समाज पे क्या असर पड़ा, इसको भी आपने जस्टिफाई करना है अपने कैंडिडेचर में। सो अगले साल अगर आप ये सब डिजर्व करते हैं तो 15 सितंबर आखिरी तारीख है पद्म पुरस्कारों को अप्लाई करने की। मेरी आपको रिकमेंडेशन है कि आप इसे अप्लाई करें, एक पेशेवर की मदद लें यदि आपको ऐसा लगता है तो। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि आने वाली 15 जनवरी 2023 को हो सकता है आपका नाम भी पद्म पुरस्कारों के विजेताओं की सूची में शामिल किया जाए और अगले साल आपको भी राष्ट्रपति भवन बुलाकर इस अवार्ड से आपको पुरस्कृत किया जा सकता है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं इस अपकमिंग, इन आने वाली उपलब्धियों के लिए। और मैं समझता हूं ये वीडियो सचमुच में आपके इस सपने को पूरा करने में काम आएगा।
आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आज ही सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस खुद ब खुद आप तक पहुंचते रहें। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कोई आपके डाउट्स हो तो मुझे जरूर लिखें, मुझे आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। थैंक यू सो मच, थैंक यू।